आप, आपके साथ मैं हूँ मानसी जायसवाल। पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए खाप पंचायतों का यहाँ पर समर्थन मिलता हुआ उन्हें नजर आ रहा है, लेकिन क्या वाकई बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को करवा पाएंगे? पहलवानों ने जो है वो अमित शाह से मुलाकात तो कर ली है, लेकिन स्मृति ईरानी जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती हैं, भारतीय जनता पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, क्या इस देश में देश की बेटियां सुरक्षित हैं? क्या यौन शोषण करने वाले बृजभूषण की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है? ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। आपको बता दें, स्मृति ईरानी जो लगातार ये बात कहती हुई नजर आती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भारतीय जनता पार्टी देती है और उसको अमल में भी लेकर के आती है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? नारेबाजी तो लगातार की जाती रही है, लेकिन स्मृति ईरानी क्या इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगी? कुछ ही दिनों पहले बबीता फोगाट पर उन्होंने तंज कसते हुए एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने कहा था कि बबीता फोगाट जी से मेरी बातचीत हुई, क्या आपको लगता है कि बबीता फोगाट जैसी विश्व प्रसिद्ध पहलवान उन लोगों के साथ बैठेंगी जिन्होंने दूसरों का और खासकर उनके परिवार के सदस्यों का शोषण किया? मुद्दा यह नहीं है कि पहलवानों ने क्यों कहा कि वो अपने पदक शाम 6 बजे विसर्जित करेंगे और रात 8 बजे तक ऐसा नहीं किया। कानूनों की जानकारी रखने वालों को पता है कि कानूनी प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि अगर अब कोई हस्तक्षेप होता है तो वो उन महिलाओं के खिलाफ जाएगा। ईरानी ने कहा कि मैं जानना चाहती हूँ कि विपक्ष के नेता इन पहलवानों को निष्पक्ष जांच से क्यों वंचित रखना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि बबीता फोगाट ऐसे ही अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी होंगी? यहाँ पर बड़ी बात स्मृति ईरानी कहती हुई नजर आई और सीधा बबीता फोगाट पर ही उन्होंने हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि पहलवानों के विरोध का मुद्दा बिल्कुल राजनीतिक है। एक सांसद और एक महिला के रूप में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस को अमेठी की सुधा सिंह के बारे में पता नहीं था, जिन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कांग्रेस परिवार इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने के से बाज आए तो बेहतर होगा, लेकिन ये उनकी आदत है और वो करेंगे। यहाँ पर स्मृति ईरानी पहलवानों के समर्थन में कोई कार्रवाई करने से तो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो लगातार पहलवानों के समर्थन में आवाज बुलंद कर रही है, उन्हीं पर जो है सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरीके से यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो केवल बोलने भर का रह जाता है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।